बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन में जो 31 ईयर वाले प्रॉब्लम थे उनको मैं डिस्कस करता था, ठीक है। ये फाइनल लेक्चर है इसमें 2D में, ठीक है। प्रीवियस जो दोनों लेक्चर है उसको आप देखे होगे, आई होप तो आपको एक आइडिया मिला होगा कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, और आपको देख के पता लगा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास ऑलरेडी मास है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास ऑलरेडी मास है 3 kg एट रेस्ट में है। चलो मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ मास है, इसके पास मास है, मास कितना है 3 kg, और वो क्या है एट रेस्ट में है, ठीक है। रेस्ट में वी इक्वल टू जीरो है, टी इक्वल टू जीरो पे। अब इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं हम, तो एक्सलेशन जनरेट हो जाएगा, लेकिन फोर्स वेक्टर में दिया है तो चलो एक्सलेशन भी वेक्टर में ही निकाल लेते हैं हम, ठीक है। अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी टी टाइम पे निकालना है, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी वेक्टर में कितना होगा। तो जो सोल्यूशन है वो जो कैलकुलेशन है वो मुझे वेक्टर में ही करना पड़ेगा, और ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं वेक्टर में ही करूँगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो एक तरीका ये भी है कि वेलोसिटी टू डायमेंशनल है, ऑप्शन देख के लग रहा है आई और जे, तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी निकाल लो, वाई एक्सिस में वेलोसिटी निकाल लो, फिर ऐसे कर लो, या तो एक ही साथ कर लो, ठीक है। तो एक ही साथ करने में ज़्यादा आसानी है। तो चलो, तो यहाँ जो एक्सलेशन आ जाएगा, एक्सलेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, दैट इज द एक्सलेशन वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर कितना बोलो, 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 4TJ कैप, ठीक है, 4TJ कैप डिवाइडेड बाई मास कितना है, वो मास है 3 kg टाइम भी 3 kg। तो ये जो एक्सलेशन वेक्टर मुझे दिखेगा, एक्सलेशन वेक्टर में वो 2T² i कैप प्लस 4/3 T j कैप, दैट इज द एक्सलेशन वेक्टर। ये इसका एक्सलेशन वेक्टर आ गया, क्लियर है। अब हमें तो चाहिए वेलोसिटी, तो आपको पता होगा कि एक्सलेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वन डायमेंशनल मोशन या काइनेमेटिक्स में, इंटीग्रेशन करना पड़ता है भाई। एक्सलेशन से वेलोसिटी नीचे से ऊपर जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, कहाँ से कहाँ लिमिट लगा के इंटीग्रेट करेंगे, टी इज इक्वल टू 0 to t = 3 सेकेंड तक, ठीक है। तो लिमिट एक्चुअली मैं एक्सलेशन को लिख सकता हूँ dv/dt, और ये जो है वो 2t² i कैप प्लस 4/3 t j कैप, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं दिखूंगा dv इज इक्वल टू, तो वो मुझे मिलेगा 2t² i कैप प्लस 4/3 t j कैप, ठीक है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई dt, ठीक है। अब इसमें लिमिट लगा के, प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर लें। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो था, जब टाइम टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी भी हुआ, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये हमें फाइनल सोल्यूशन देगा वेक्टर में, ठीक है। चलो तो इधर मिलेगा वेलोसिटी वेक्टर और इधर मिलेगा 2t, ठीक है, 2t² का इंटीग्रेशन t/3 i कैप, ठीक है, प्लस 4/3, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन, t का इंटीग्रेशन t² / 2, और इसमें लिमिट रखूँगा 0 to 3। तो 0 to 3 जब मैं डालूँगा, समझना इसको, तो 0 उधर रखूँगा तो 0 ही हो जाएगा, तो 3 ही रख देते हैं इधर। तो जब मैं इसमें 3 रखूँगा तो मुझे मिलेगा 2/3 और 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का 27 i कैप, ठीक है, 27 i कैप प्लस 4/3, और इधर भी 2 है, और ये आ जाएगा 9, मतलब 2 को 2 को, और ये आ जाएगा 3 और j कैप, मतलब 6 j कैप, और ये आ जाएगा 9, 18 i कैप प्लस 6 j कैप इसका फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। 18 i कैप प्लस 6 j कैप मतलब ये हुआ कि हम लोगों का जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट, ठीक ना, ये हम लोगों का सही है, ठीक है। चलो अब ये कहता है कि दो हम लोगों के पास एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोगों के पास दो वेक्टर है, बेसिकली एक वेक्टर ए है और ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, वो अलग अलग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल है, ठीक है। इस टाइप से
कंडीशन दिया हुआ, दिस इज द कंडीशन कि वेक्टर ए और बी ऐसा है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, ए और बीच के बीच का एंगल, अब देखो ए प्लस बी मॉड है तो इसको लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। और इधर लिख सकते हो अलग अलग है तो इधर लिख सकते हो ए और बी, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और इधर स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको ख़त्म हो गया, ठीक है, और टू ए बी इधर आ गया, टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2ab, तो 2ab ने 2ab को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो cos theta is equal to 1 आ गया, इसका मतलब ये हुआ theta is equal to 0 degree, तो इनके बीच का एंगल जो है वो 0 degree होगा, जो कि C ऑप्शन सही है, क्लियर है, दैट इज C1 इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलो नेक्स्ट, ये कहता है टू पार्टिकल है, दो पार्टिकल हम लोग पास सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है, एक स्मॉल एम है एक कैपिटल एम है, देयर आर टू पार्टिकल, दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है, दे एक रेडियस आर है एक रेडियस आर है, टू पार्टिकल हैविंग मास कैपिटल एम, एक का मास कैपिटल एम है और एक का मास स्मॉल एम है, ठीक है। अब जो कैपिटल एम है वो कैपिटल एम कैपिटल रेडियस है, इसका स्मॉल रेडियस है, ठीक है। देयर टाइम पीरियड आर सेम, टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल में लगने वाला टाइम पीरियड, एक चक्कर में लगने वाला टाइम पीरियड वो सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो निकालना। अब देखो जो टाइम पीरियड होता है या जो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, वो 2πt आप पढ़े होंगे। अब कितने भी पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल हैं, अगर उनका टाइम पीरियड सेम है, टी सेम है, तो 2π तो सेम ही रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2, इसका मतलब ये हुआ ओमेगा 1 रेशियो ओमेगा 2 रेशियो 1:1 का रेशियो होगा, ठीक है, मतलब सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आसान था ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है। टू प्रोजेक्टाइल है, देखो दो प्रोजेक्टाइल है, सेम मास है, सेम वेलोसिटी है, एक को 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाता है, एक को 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाता है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ लाइट क्या कंडीशन निकालना, एक को मैंने यहाँ से 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया और दूसरे को मैंने यू से यू 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, तो आपको पता होगा कि ऐसे प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होता है। जब भी कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 होता है, अल्फा प्लस बीटा 90 होता है, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, तो अल्फा 30 है और बीटा भी 60 है, तो इनका सम 90 है। अगर ऐसा कभी भी प्रोजेक्शन होता है, जैसे मान लो एक को मैंने 20 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया और दूसरे को मैंने 70 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होता है, बेसिक है प्रोजेक्टाइल का, जो हम पढ़ के पढ़े हो गया प्रोजेक्टाइल का कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी सेम, क्या सेम रहेगा, रेंज सेम रहेगा, ठीक है। अगर नहीं तो आप करना चाहते हो तो इसको कर लो, करना चाहते हो तो रेंज का फार्मूला लगा दो, रेंज इक्वल टू क्या होता है बोलो, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपन जी, ठीक है। अगर आप 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किए हो तो यू स्क्वायर साइन 30 कितना होगा, ये 62 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया अपन जी, तो साइन 60 कितना होता है रूट थ्री यू स्क्वायर अपन 2g, ये हो गया। फिर एक को 60 डिग्री पे किए तो R1 और R2 इज इक्वल टू रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी होता है, तो यह आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 60 है तो 120, तो 120 अपन जी, ठीक है, और 120 अपन जी क्या होता है यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120, दैट इज जी, ठीक है। तो 90 प्लस 30, इसका मतलब ये हुआ कि यू स्क्वायर 90 प्लस 30, साइन सेकेंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है तो यह आ जाएगा कॉस 30 अपन जी, कॉस 30 इज इक्वल टू साइन 60 रूट 3 अपन टी यू स्क्वायर अपन जी, ठीक है। तो इतना सॉल्व करने से अच्छा है कि हम देखो R1 और R2 बराबर हो गया, रेंज बराबर, इतना सॉल्व करने से अच्छा है कि हमें कॉन्सेप्ट याद हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम अल्फा प्लस बीटा हो, ठीक है, जैसे हो गया 30 हो गया 60 हो गया 20 हो गया 70 हो गया, ठीक है ना,
40 हो गया, 50 हो गया, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है उनके लिए रेंज हमेशा सेम होता है प्रोजेक्टाइल में, इस वाले में, ठीक है। ए मैन इज स्लीपिंग फ्रॉम ए फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन, चलो फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन है, उसे एक मैन स्लीप कर रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये एक फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पर एक आदमी है और वो स्लीप कर रहा है, ठीक है। तो वो बेसिकली वो स्लीप कर रहा, डाउनवर्ड आ रहा है उसके पैर ऐसे, ठीक है, उसका शरीर यहाँ पे आएगा और ऐसा कुछ वो स्लीप कर रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जब नीचे आएगा यहाँ पर तो उसकी वेलोसिटी बी एम है, वेलोसिटी ऑफ मैन बी एम है, और ये हाइट में एच ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये कहता है कि ये जब आदमी यहाँ स्लिप करेगा स्मूथ सरफेस पे तो नीचे आएगा तो वेलोसिटी बी एम होगा। अब ये कहता है वेलोसिटी एंड ए बैक फॉल डाउन फ्रॉम द सेम हाइट, उसी टाइम जिस टाइम ये स्लिपिंग करना स्टार्ट किया है, ठीक है, जिस टाइम ये स्लिपिंग करना स्टार्ट किया है उसी टाइम पे मैंने यहाँ से एक बॉडी गिरा दिया, मतलब एक बैग ड्रॉप कर दिया, टी इक्वल टू जीरो पर ए भी गिराया गया, टी इक्वल टू जीरो पर ए भी, तो जो बैग आएगा या जो बॉडी आएगी वो उसकी वेलोसिटी बी बी है। तो इन दोनों में रिलेशन निकालना है, बी एम और बी बी में रिलेशन निकालना, आपको पता है कि दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी बाय द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो अगर यहाँ एच हाइट से दोनों गिरते हैं तो दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, दोनों की यू इक्वल टू दोनों के लिए जीरो है, इस ए भी जीरो से चला था, ए भी जीरो से चला था, तो जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है बेस पे उतना ही काइनेटिक एनर्जी दिखेगी, मतलब जितनी दोनों की, ठीक है। बट ए मैन स्लीप एंड फ्रिक्शन बैक फॉल फ्रॉम द सेम हाइट, ठीक है। तो अब ये ऐसे भी कर सकते हो, और दूसरा अगर मासेस सेम है दोनों का तो वेलोसिटी भी सेम होगा, नहीं तो आप एस इक्वल टू यूटी लगा दो वर्टिकल में दोनों के लिए। चलो मैन के लिए लगाता हूँ, जब मैन यहाँ से इधर आएगा तो एस इक्वल टू मुझे क्या है वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या लगाऊँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूँ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस वाई एक्सिस में लगा देते हैं, क्लियर है, बराबर है, तो वाई एक्सिस में लगाते हैं यार। तो वाई एक्सिस में अगर मैं लगाऊँ इसको, ये वाई एक्सिस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, तो वाई एक्सिस में हमें मैन की फाइनल वेलोसिटी बी एम हो गई यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि जब ग्राउंड पे होगा और ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो, दैट इज टू और जी, और वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी जो आ जाएगा दैट इज वेलोसिटी, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया हूँ तो ये दोनों पॉजिटिव आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ द मैन इज इक्वल टू टू जी एच अंडर रूट। और यही वेलोसिटी, या नहीं तो आप इसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व भी करा सकते हैं, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ पर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, तो बॉटम पे वेलोसिटी बी इज इक्वल टू टू जी एच अंडर रूट, दोनों से सेम इक्वेशन आएगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी आदमी की वहाँ काइनेटिक एनर्जी दिखेगी, दोनों से थर्ड इक्वेशन अनुसार एनर्जी कंजर्व कराओ, दोनों से सेम रिजल्ट मिल गया हमें। चलो अब बात करते हैं इस बॉल की, जब बॉल गिराया गया उसका वर्टिकल में थर्ड इक्वेशन अनुसार लगा दो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू टू एस, वर्टिकल में लगाओ, वर्टिकल में इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इसको मैं बी बोल देता हूँ, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, 2gh नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया हूँ, तो वेलोसिटी अब b इज इक्वल टू 2gh अंडर रूट, देखो तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या आ गई, इक्वल आ गई, द बोथ मैन एंड बॉल हैव सेम वेलोसिटी, ठीक है, मतलब c ऑप्शन सही है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये कहता है ये 5500 kg कार है, ठीक है, हैवी कार है, टेक ए टर्न अराउंड ए रेडियस 50 मीटर विद वेलोसिटी, ठीक है, एक रोड है, उस रोड पे एक सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पर एक कार है और कार जब टर्न लेती है तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो 36 किलोमीटर पर आवर है यार, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 दूना 36 और ये 5/18, ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर तो 10 मीटर पर सेकेंड से टर्न ले रहा है, ठीक है, और ये जो रेडियस है वो 50 मीटर दिया हुआ, मतलब वेलोसिटी आ गया 10 मीटर पर सेकंड से टर्निंग ले रहा सर्कुलर पाथ पे, और रेडियस हो गया 50 मीटर, ठीक है, और कार का मास हो गया कितना, हो गया 500 kg। तो अब हमें चाहिए क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रटा रटा फार्मूला हम लोग के पास क्या है, एम बी स्क्वायर ओवर आर,
ठीक है, तो मास आ गया 500 और आर रेडियस हो गया 50 और वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर रख दो, वेलोसिटी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10, 5 ने 5 ने 0 के 0 के, मतलब 1000 न्यूटन जो है वो फाइनल सोल्यूशन इसका होगा, दैट इज 1000 न्यूटन, दैट इज, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो, ए पर्सन एमी, एक पर्सन है वो, देखा इस टाइप के प्रॉब्लम में ध्यान से सुनना, अगर मेरा थ्योरी वाला लेक्चर देखे होगे, देखो अगर मैं थ्योरी थ्योरिटिकल लेक्चर ऐसा बनाया हूँ कि जितना कभी किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता, किसी भी कोचिंग में उतना पढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि उतना टाइम ही नहीं होता, मैं कम से कम 10 प्रॉब्लम 20 कम से कम 10 से ज़्यादा प्रॉब्लम मैं सॉल्व किया हूँ रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पे और इसको अच्छे से समझाया हूँ, क्योंकि दिक्कत क्या है कि इस टाइप के प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। तो पर्सन एमिंग, एक पर्सन की इच्छा है कि वो, एक रिवर है, चलो ये रिवर है और इधर फ्लो हो रही है, इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो फ्लो हो रही है, ठीक है, और एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है या दूसरे बैंक पर खड़ा है, अब ये नदी में कूदना चाह रहा है, ठीक है, और ये इसकी इच्छा है कि मैं ए पॉइंट से, इसकी इच्छा मैं ओ से डायरेक्ट ए पर चला जाऊँ, समझ रहे हो ना, इसकी इच्छा है डायरेक्ट ओ से ए पर जाऊँ, ठीक है, जहाँ है सीधा वहाँ जाए, तो क्या ऐसे सीधा जाएगा तो वहाँ पहुँचेगा क्या ए पे, बिल्कुल नहीं पहुँचेगा यार, रिवर की तो वेलोसिटी भी तो है, ड्रिफ्ट भी तो होगा, यहाँ से सीधे कूदेगा नदी में तो इधर जाएगा, इसका मतलब ये हुआ इसको ओ से इधर कहीं कूदना पड़ेगा, रिवर में जंप मारना पड़ेगा इधर, ठीक है, और वो एंगल दिया हुआ 120 डिग्री पे, तो 120 डिग्री पर रिवर की वेलोसिटी से 120 डिग्री पे इधर की डायरेक्शन में जंप करेगा, और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन इन ए रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर, वो दिया हुआ है स्ट्रीम इन स्विमिंग विद वेलोसिटी 5.5 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, इधर नदी में जंप कर गया, ठीक है, ओ से इधर बी, इधर बी पे टारगेट बनाएगा तभी तो रिवर की वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होके इधर जाएगा यार, ठीक है, तो ये वेलोसिटी 0.5 है, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी, अब ये वेक्टर है, इसके कंपोनेंट करोगे तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा और एक ये ट्रायंगल रूल लगाओगे, एक ट्रायंगल रूल लगाओगे तो ये आ जाएगा, कुछ वेलोसिटी होगी ये और ये रिवर की वेलोसिटी, ठीक है, तो जाके ये वाली वेलोसिटी मिलेगी हमें, ठीक है, नहीं समझ में आया तो ये काम करो, हाँ इसको ऐसे भी समझ सकते हो, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो देखो, ये इधर जंप कर गया, ये 120 है और ये 30 हो गया, ठीक है, ये 30 हो गया और पैरेललोग्राम लॉ से ये वाली जो वेलोसिटी है वो रिवर की वेलोसिटी भी आर हो गई, ठीक है, तो भाई रिवर की वेलोसिटी इधर है तो ये इस वेलोसिटी को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो 30 निकाल लो ना, साइन 30 कितना होगा, साइन 30 होगा पी बाई एच बी आर अपन 0.5, ठीक है 0.5, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिवर की वेलोसिटी आ गई, रिवर की वेलोसिटी है वो पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 0.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 0.25 मीटर पर सेकेंड, मतलब ए ऑप्शन सही है, ठीक है, एक्चुअली जब आदमी स्विमिंग करता है तो ये भी एम आर होता है, ये जो है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होता है, ठीक है, वो ये वाली वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, पूरा थ्योरी वाला देखोगे तब मैं बहुत बेहतर तरीके से उसमें समझाया हूँ। चलो ये कहता है टू रेसिंग कार है जिसका मास M1 और M2 है, चलो दो रेसिंग कार हैं उनके मासेस अलग अलग हैं जो अलग अलग सर्कल पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, अब और एक की रेडियस R1 है एक की रेडियस R2 है और इन रेसिंग कार का जो मासेस है वो M1 है और M2 है, चलो दो रेसिंग कार है वो सर्कल पे चल रहे हैं, कंप्लीट सर्कल इन टाइम टी, मतलब ईच कंप्लीट सर्कल इन टाइम टी, मतलब जो टाइम पीरियड है वो सेम है, टाइम पीरियड T1 बराबर T2 बराबर T, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, तो एंगुलर वेलोसिटी का स्पीड, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन हमेशा दो पार्ट में पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, ठीक है, तो ये काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन अगर आप पढ़े होगे तो इसको क्वेश्चन कर सकते हो, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का रेशियो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π / टाइम पीरियड, ठीक है,
तो टाइम पीरियड, अगर देखो टाइम पीरियड सेम हो किसी पार्टिकल का तो ओमेगा भी तो सेम होगा, तो इसका मतलब ये हुआ ओमेगा वन बराबर ओमेगा टू, दोनों का ओमेगा बराबर है, मतलब वन वन का रेशियो है, मतलब सी ऑप्शन सही है। ठीक है चलो, ये कहता है कि यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है और जिसके पास एक पर्टिकुलर खास डायरेक्शन होता है। तो ये कहता है कि ये यूनिट वेक्टर है, उस यूनिट वेक्टर को मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स कैप एरो, और ये यूनिट वेक्टर है 0.5 i कैप माइनस 0.8 j कैप और प्लस CK कैप। ठीक है ना, ये एक्स नाम का यूनिट वेक्टर मैंने मान लिया क्योंकि ये पूरा वेक्टर है, पूरा उसको नाम दे दिया जो भी दिया था। वेयर सी, सी क्या है इसमें से, सी की वैल्यू कितनी होगी, कोफिशियंट सी की वैल्यू कितनी होगी, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्योंकि एक्स एक यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन ही होता है, वन से अधिक नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड वन हो गया, और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको लेने आता होगा 0.5 का स्क्वायर और -0.8 का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे ही लेते हैं ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको ठीक है, इसको पूरा आप सॉल्व कर लेना, स्क्वायर कर देना दोनों साइड, रूट हट जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लेना तो सी इज इक्वल टू आ गया 0.1111 अंडर रूट, 0.11, 11 नहीं पढ़ते हैं गलत मैं, ठीक है 0.11 अंडर रूट। इसको पूरा आप सॉल्व कर लेना क्योंकि सी का स्क्वायर है, तो जब इसको जोड़ोगे और कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा। ठीक है चलो, ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी जो होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी, अगर किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और ओमेगा दिया हुआ है, कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसमें, कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसमें रेडियस वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी वी में क्या रिलेशन होता है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो ये तो स्केलर में होता है ना यार, ये तो स्केलर में होता है, जब इसको वेक्टर में लिखते हैं तो वेक्टर वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, और ये एक फिक्स है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता आके, ये ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इसको फिक्स किया गया है। ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस आर होता है, तो अगर ओमेगा क्रॉस आर होता है तो अब मुझे अगर लीनियर वेलोसिटी भी चाहिए तो मैं निकालूंगा ओमेगा क्रॉस आर, और ओमेगा क्रॉस आर निकालने के लिए हम मैं एक डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं, तो ओमेगा आई जे और के, आई जे और के, चलो आई जे के, आई का वैल्यू रखो, ओमेगा का वैल्यू रखो, ओमेगा का वैल्यू इधर आ गया 5, इधर आ गया -6 और इधर आ गया 6। सबसे पहले मैं ओमेगा का कोफिशियंट रखूंगा क्योंकि मैं ओमेगा क्रॉस आर निकाल रहा हूँ, आर की वैल्यू रखोगे तो 3, 4, 3, 4 और 1, 3, 4, 3, 4 और -1, -3, -4, ये चलो। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा। मैं आपको इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका बताया था, क्या आसान तरीका बताया था मैं, तीन बड़े बड़े ब्रेकेट बना लेना पहले, ठीक है, ए आई जे और ये के, तीन बड़े बड़े ब्रेकेट ऐसे बना लेना और इसमें रिजल्ट लिखना। अब आई का लिखोगे तो आई का लिखोगे तो आई का रो और कॉलम भूल जाओगे, कौन कौन सा भाई, आई का लिखोगे तो आई का रो और कॉलम ये भूल जाओ, तो ये से और इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो -6 और माइनस एक फार्मूले में आता है तो -24 और माइनस ये, तो ये प्लस, ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस और एक माइनस यहाँ फार्मूले से आता है। ठीक है चलो, तो ये अब इसका मल्टीप्लाई करोगे जे का मल्टीप्लाई करोगे तो जे वाला रो और कॉलम भूल जाए तो 18 और माइनस एक फार्मूले से, ठीक है, और ये -5, ठीक है जे, और के का वैल्यू डालो, के का जब करोगे तो के का ये और रो कॉलम भूल गए तो -20, ठीक है, और माइनस एक फार्मूला से +18। तो ये देखो बहुत आसान तरीके से फटाक से इसको सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारा टाइम बच जाएगा यार। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18i कैप, ठीक है, और 18i कैप प्लस 18i कैप प्लस 13j कैप, ठीक है, और -2k कैप, है ना, जहाँ पर लोग स्ट्रगल करेंगे वहाँ पे तुम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। 18 13 j कैप -2k कैप, 18i कैप प्लस 30 -2j कैप, दैट इज बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, क्लियर है। चलो, ये कहता है, ये देखो, ये कहता है कि एक रॉड है,
है तो ये काइनामेटिक्स है, बट ये एक्चुअली जो काइनामेटिक्स, इसको हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो स्प्रिंग कांस्टेंट या कांस्टेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करते हैं, बट ये यहाँ आ गया। तो कहता है कि एक रॉड है, ठीक है, उस रॉड में, ठीक है, दो पॉइंट है, दिस रॉड इज स्लाइडिंग, ये रॉड है और ये स्लाइड कर रहा है, और इस पॉइंट ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इधर है, तो बी वाला कहाँ जाएगा यार, बी पॉइंट ऊपर जाएगा वेलोसिटी बी बी से, तो इस बी पॉइंट की और ये एंगल किसी भी इंस्टेंट 30 डिग्री है, इंस्टेंटेनियस सिचुएशन है, किसी इंस्टेंट 30 डिग्री है और धीरे धीरे 30 इंक्रीज होगा। चलो, तो कहता है कि बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालो और अल्फा 30 डिग्री है, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकाला जाए, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट है, सबसे आसान ट्रिक है इसको सॉल्व करने का, कि रॉड के एलोंग जो भी वेलोसिटी होती है, लॉज ऑफ मोशन में आप पढ़े होंगे कि स्ट्रिंग के एलोंग, रॉड के एलोंग, ठीक है, वायर के एलोंग जो भी वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। तो ये जो वेलोसिटी है इसके मैं कंपोनेंट करूंगा, तो एक रॉड के एलोंग जाएगा वो कितना होगा 10 cos 30, और एक रॉड के परपेंडिकुलर आएगा 10 sin 30, ठीक है, क्लियर है। और ये जो वेलोसिटी ऊपर जा रहा है उसके भी मैं कंपोनेंट करूंगा, अगर ये 30 है या 60 है, तो ये आ गया 60, तो जो बी बी का एक कंपोनेंट रॉड के लॉन्ग आ गया वो आ गया बी बी कॉस 60, और एक कंपोनेंट इधर आ गया जो आ गया बी बी साइन 60, ठीक है। अब रॉड के एलोंग अगर सेम रहेगी तो रॉड के एलोंग, रॉड की लाइन लेंथ ये है, इस लेंथ में जो भी वेलोसिटी आती है वो सेम होती है यार, इसका मतलब ये हुआ कि वी बी कॉस 60, ठीक है, कॉस 60 इज इक्वल टू 10 cos 30, ठीक है। जो रिजिड बॉडी होती है, ठीक है, वो हर पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, हर पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, अदरवाइज रॉड या तो टूट जाएगा या तो स्लैग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए जो वी बी है, तो वी बी, अब कॉस 30 कितना होता है, साइन 60, cos 60 इज इक्वल टू साइन 30, तो ये आ जाएगा 1/2, दैट इज 10, और cos 30 साइन 60 √3/1/2, तो 2 ने 2 को, तो बी बी की वैल्यू आ जाएगी 10 × √3 1.73 आता, तो ये आ जाएगा 17.3 meter per second इसकी वेलोसिटी होगी जो ऊपर की डायरेक्शन में होगी, मतलब डी ऑप्शन सही है ना। चलो, कहता है ए बॉल 25.25 kg अटैच टू एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, काइनामेटिक्स ऑफ द ठीक है, ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। अगर ये कहता है कि एक बॉल है, ठीक है, चलो एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसमें एक स्ट्रिंग अटैच है, उसमें एक बॉल है जिसका मास 0.25 kg ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग का लेंथ, इस स्ट्रिंग का लेंथ इज इक्वल टू 1.96 है, ठीक है। अब इसमें जो मैक्सिमम टेंशन हो सकता है, इसको जो मैं घुमा रहा हूँ, तो इसमें जो मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम फोर्स स्ट्रिंग में, या मैक्सिमम टेंशन, वो हो सकता है 125 न्यूटन, वो हो सकता है 25 न्यूटन, समझ रहे ना। कोई भी स्ट्रिंग है अगर उसको खींचोगे तो एक लिमिट के बाद यार टूट जाएगी, ठीक है, ऐसी दुनिया में कोई स्ट्रिंग ही नहीं बनी कि अगर उस पर खींचोगे और टूटे ना यार, वो डिपेंड करता कितना फोर्स लगा रहे हो ना। फैन है, रूम में फैन लगा हुआ है, फैन को पकड़ के नीचे से खींचो, ठीक है, अब मान लो एक बहुत मोटा आदमी सुसाइड करने गया, फैन ही टूट के नीचे आ गया, छत ही नीचे आ गई, ठीक है। तो ऐसी दुनिया में कोई रॉड ही नहीं है जिस पे फोर्स लगाया जाए वो लिमिट के बाद टूटे ना। तो हमने क्या किया कि जो मैक्सिमम फोर्स है उसमें 25 न्यूटन, इससे ज़्यादा करोगे तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, सर्कुलर मोशन ब्रेक हो जाएगा, और सर्कुलर मोशन ब्रेक होने के बाद पार्टिकल हमेशा लीनियर में जाता है, सर्कुलर मोशन ब्रेक होने के बाद पार्टिकल हमेशा लीनियर में जाएगा, ठीक है, अगर क्योंकि उसकी वेलोसिटी लीनियर होती है, अगर यहाँ पे ब्रेक होगी तो यहाँ जाएगा, अगर यहाँ पे ब्रेक होगी तो इधर जाएगा, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विच बॉल कैन बी मूव, अब कितना इसको मैक्सिमम स्पीड से, जब फोर्स मैक्सिमम होगा तभी तो स्पीड मैक्सिमम होगी, तो उस वक्त जब फोर्स मैक्सिमम हुआ होगा उस वक्त स्पीड मैक्सिमम हुई होगी, तो उस मैक्सिमम स्पीड को निकालना है। तो जो फोर्स लगता है सर्कुलर मोशन में, जो फोर्स लगता है यार, वो कौन सा फोर्स होता है, सेंटीपेटल फोर्स होता है, एम बी स्क्वायर ओवर आर,
अगर नॉर्मल फोर्स है तो वेलोसिटी भी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ नॉर्मल फोर्स नहीं है, यहाँ एक स्पेशल फोर्स मैक्सिमम फोर्स है। एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉल रेडियस, और इस वक्त वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, स्पीड मैक्सिमम होगी, तो ये हमें चाहिए। चलो मास की वैल्यू डालो 2. अब सबको इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 25 और मास जो है कितना है यार, मास 0.25 और रेडियस कितना है, रेडियस दिया है क्या, 1.96 मीटर, एंड दैट इज वेलोसिटी मैक्सिमम का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो 1.96 25 ने 25 को पॉइंट ने पॉइंट को, तो वेलोसिटी मैक्सिमम जो है, वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू 196 रूट के अंदर, 196 रूट अंडर कितना होता है यार, 14 होता है। ठीक है, तो ये ठीक है, सी ऑप्शन सही है, क्लियर है। चलो तो आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी एमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें से वेक्टर क्वांटिटी, अभी यार मतलब रटने वाला सवाल है, आपको याद होना चाहिए। वैसे यार देखो, जब कोई पढ़ाई करता है तो इनके साथ हम डील करते करते इनको हम समझ जाते हैं। एनर्जी स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, हीट स्केलर है, तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगा। ठीक है, एक्सियल वेक्टर है, हमेशा एक्सिस के लॉन्ग आता है। ए बॉडी विल्ड इन ए हॉरिजेंटल सर्कल ऑफ रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और किसी वक्त उसकी जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब फिक्स रेडियस है, तो 0.2 मीटर आ गया। अब ओमेगा, इसका ओमेगा दिया हुआ है 10 ओमेगा है 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा है 10 रेडियन पर सेकेंड, तो अगर ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड है तो हमें किसी भी इंस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी हमें निकालना है। व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ, किसी खास पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी किधर होगी, तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा और उसकी मैग्नीट्यूड यहाँ से हमें पता चल जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो, मैग्नीट्यूड होगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आर कितना है, आर कितना है 0.2 और ओमेगा है 10, ये तो बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड दैट इज डी ऑप्शन, और किसी भी इंस्टेंट डायरेक्शन टेंजेंशियली होगा। ठीक है, चलो तो आई होप ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन हम काफ़ी बार किए हैं, अगर आपने ये लेक्चर देखे होगे तो ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, कम से कम 3 या 4 बार प्यारे बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आया है इस चैप्टर में। ठीक है, पोजीशन वेक्टर जो है वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ, कब कब कभी भी अगर पोजीशन वेक्टर इस फॉर्मेट में है, ठीक है, एक्स एंड वाई का स्क्वायर रेडियस के स्क्वायर होता है, तो वो सर्कुलर पाथ में पार्टिकल चलता है। कभी भी एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा है आई कैप, और प्लस बी कॉस थीटा है जे कैप है। ठीक है, तो ये एक्स क्या है पोजीशन वेक्टर, आर क्या है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, आर क्या है पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी इंस्टेंट एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ए कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू बी साइन थीटा। ठीक है, जब इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो पता है सर्कल ही आता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये रेडियस, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये जो इक्वेशन है, ठीक है, वो एक सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, जहाँ पे आप निकाल सकते हो कि उसकी रेडियस, तो ये जो इक्वेशन है ए कॉस ओमेगा टी बी ए साइन ओमेगा टी, ये क्या है यार, ये एक सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। ठीक है, वेलोसिटी ऑलवेज रेडियस के परपेंडिकुलर ही होगी, चाहे वो एक्सेलरेटेड हो चाहे वो डिसेलरेटेड हो। ठीक है, तो वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होती है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, डी ऑप्शन सही है। अगर इससे सेटिस्फाई नहीं होते हो तो दूसरा तरीका है, सेकेंड मेथड ये है कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं जब उनका डॉट जीरो होता है, जब उनका डॉट जीरो होता है, ये तो मैं प्रोपर्टी से कर दिया, तो पोजीशन वेक्टर है तो वेलोसिटी वेक्टर निकालो, डिफरेंशिएट करने आता होगा। ठीक है, डी आर ओवर डी टी, इसको टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो,
टाइम के रिप्रेजेंट ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए कॉस ओमेगा टी का बोलो, ए का ए कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी और एक ओमेगा से मल्टीप्लाई किए, चेन रूल लगा दिए आई कैप, ठीक है, और माइनस, ठीक है, प्लस साइन साइन ए साइन मतलब ए ओमेगा और ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, दैट इज जे कैप, ये क्या है, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। और अगर वेलोसिटी ऑफ डॉट डॉट अगर वेलोसिटी वेक्टर इतना है और पोजीशन वेक्टर इतना है, तो डॉट लोगे तो कैसे लेते हैं यार, आर डॉट बी, आर डॉट बी, आई का आई जे का जे, तो इस वाले आई में और इस वाले आई से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो और कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और इधर मिलेगा प्लस प्लस ए ओमे ए स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, तो ये पूरा क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट देखो कट के जीरो आ गया। जब कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों मेथड से बता दिया। अब अगर ऐसा सवाल आता है इस फॉर्मेट में इक्वेशन है तो आप पाथ आइडेंटिफाई कर सकते हो, सर्कुलर मोशन होगा और उसके आप सर्कुलर की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आया है इस फॉर्मेट में दिया था। चलो ये कहता है एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील की जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा दिया है यार, ठीक है, ओमेगा जो है वो 20 रिवोल्यूशन पर मिनट है, ओमेगा इज इक्वल टू 120 रिवोल्यूशन पर मिनट से, ठीक है, तो एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील में ओमेगा निकालना है यार, ठीक है। अब जो रिवोल्यूशन है ये ओमेगा नहीं है यार, ये एक्चुअली जो रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन जो है वो रिवोल्यूशन जो है वो 20 रिवोल्यूशन पर मिनट से, तो जो रिवोल्यूशन पर सेकंड होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 120/60, दैट इज इक्वल टू 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, और टी रिवोल्यूशन पर सेकंड जितना रिवोल्यूशन होता है, एक सेकंड में पार्टिकल सर्कुलर मोशन में दो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, अगर एक सेकंड में 10 चक्कर लगाएगा तो वही इसकी फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में 50 चक्कर लगाएगा तो वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा आराम से निकाल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π फ्रीक्वेंसी, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4π रेडियन ओमेगा आ जाएगा, 4π मतलब ए ऑप्शन सही है ना, आसान क्वेश्चन था। चलो ये कहता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, दो वेक्टर में दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है, जनरली हम कॉस प्रोडक्ट से यूज करते हैं, ठीक है, जनरली हम और ऐसे भी और भी तरीके ज्योमेट्री से निकाल सकते हो, साइन से निकाल सकते हो, पर ये सबसे आसान है अगर डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ही तो दो वेक्टर के बीच का एंगल है, ए डॉट बी एंड दैट इज उनका मैग्नीट्यूड, ए और बी का मैग्नीट्यूड, तो डॉट ले लो, डॉट लेने सबको आता होगा, ए का आई का आई, जे का जे, के का के, 3i से 4, 3i में मल्टीप्लाई करोगे तो 9, ठीक है, 3i से 3 में मल्टीप्लाई करोगे 9, 4 से 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 16, और माइनस 25, 5 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25, और डिवाइडेड बाई इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, वो हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऊपर जीरो आ गया, तो कुल मिला के जीरो आ गया, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो 3 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, मतलब 50, तो 50 अंडर रूट, तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है, 0/50, तो कुल मिला के जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर cos थीटा जीरो के इक्वल है तो cos 90 जीरो की वैल्यू होती है, तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90, थीटा की वैल्यू 90 ही होगी भाई, है, हाँ ए ऑप्शन सही है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये कहता है ये बॉडी या मास m इज थ्रोन विद वेलोसिटी विद एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल, अगर आप इतना सारा मैं आपको करवा दिया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको देखते ही हो जाएगा, ठीक है, जैसे इसको देखोगे वैसे ही इसको कर सकते हो, अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसको मैंने 30 डिग्री पे हॉरिजेंटल से प्रोजेक्ट किया, चलो हॉरिजेंटल से u वेलोसिटी से 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, फिर हॉरिजेंटल से उसी बॉडी को 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, आपको पता है इसका रेंज सेम होता है, रेंज सेम होता है तो R1 और R2 का रेशियो कितना हो जाएगा 1:1, ठीक है,
1:1, ठीक है, आया था ऐसा क्वेश्चन, कई बार आया, 3-4 बार आया ये, ठीक है। कहता है अगर कोई वेक्टर है, आसान आसान क्वेश्चन आया है, अगर कोई वेक्टर ए है उसमें मैं एक जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा नहीं, ठीक है। आपने किसी वेक्टर से किसी स्केलर में मल्टीप्लाई किए हैं, तो जब कभी भी वेक्टर से स्केलर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस उतना मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिलता है, उतने मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिलता है, तो ये एक नल वेक्टर मिलेगा, ठीक है भाई। आपने a माइनस a किया तो आपको जीरो जीरो मिलेगा, एग्जैक्ट जीरो मिलेगा, लेकिन a माइनस a किए तो अब जीरो वेक्टर मिलेगा ना, तो ये जीरो वेक्टर मिलेगा ना कि जीरो मिलेगा, है ना। इसीलिए ये इसका मतलब जरूरत पड़ेगा कि अगर वेक्टर a और b आपस में बराबर हैं तो a माइनस b अब क्या होगा, इधर क्या होगा भाई, दो वेक्टर आपस में बराबर है a माइनस बी, तो इधर क्या लिखूं, जीरो लिखूं या जीरो वेक्टर लिखूं, तो मोर एग्जैक्ट और प्रिसाइज है कि इसको जीरो वेक्टर लिखा जाए, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिकल फैन ब्लेड्स ऑफ लेंथ 30 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ द फैन रोटेट 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, एक्सलेशन ऑफ ए पॉइंट ऑफ टिप, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, देखो कि अगर कितना, वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो कि देखो ये कितना आता है, ठीक है। कहता है कि इलेक्ट्रिकल फैन का ब्लेड्स है, जो फैन है उसका ब्लेड्स है, उसकी लेंथ है, ठीक है। चलो एक फैन बना लेते हैं, वैसे जरूरी नहीं है बट यही कि बना ही लेते हैं, ये जो फैन है उसका ब्लेड्स है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा, लेंथ सर्कल में जो ब्लेड्स है वो पूरा फैन रोटेट करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, पर उसका जो ब्लेड्स है वो एक सर्कल में ऐसे घूमेगा यार, सर्कल में ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो लेंथ, इसका लेंथ 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है मतलब 0.3 मीटर है, ठीक है, 0.3 मीटर है। मेजर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द 20 रिवोल्यूशन, कितना, 120 रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन 120 है तो 120 रिवोल्यूशन पर मिनट है यार, तो 120 रिवोल्यूशन पर सेकेंड जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो यह जाएगा 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो रेडियस कितना आ गया यार, रेडियस आ गया 0.3 मीटर, और फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। द एक्सलेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ टिप ऑफ द पॉइंट ऑफ टिप, ये जो पॉइंट ऑफ टिप लास्ट पॉइंट है उसका एक्सलेशन निकालना, तो एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन सर्कुलर, ये जो लास्ट पॉइंट है वो सर्कल में चल रहा है, हर पॉइंट सर्कल में चल रहा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ से देखोगे तो, ठीक है। तो एक्सलेशन होता है वी स्क्वायर ओवर आर या आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, या आर ओमेगा इज इक्वल टू 2π फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 4π स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर r, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4π स्क्वायर फ्रीक्वेंसी कितना आया, 2, और ये आ जाएगा 0.3 का, 0.3 फ्रीक्वेंसी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 से अधिक आएगा, 20, इसको सॉल्व करो देखो 47 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। चलो, तो ये भी ऑप्शन सही है। मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन है तो उसका मैक्सिमम रेंज निकालना है, ठीक है। अब चलो गन को यहाँ से फायर करते हैं, अब मैं पूरा गन तो बनाऊंगा नहीं, गन को यहाँ से फायर करते हैं, ठीक है। और वो जो है द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन हॉरिजेंटल रेंज, मतलब यहाँ से अगर गन फायर होता है तो उसका जो मैक्सिमम रेंज है ये वाला आर मैक्सिमम, वो आर मैक्सिमम है वो यार 16 किलोमीटर है, ठीक है। तो कितने से फायर्ड हुआ वो निकालना है। आपको पता होगा प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट से कि जब रेंज मैक्सिमम होता है तो हॉरिजेंटल से इसकी वेलोसिटी, जो हॉरिजेंटल से गन की जो एंगल होती है वो 45 डिग्री होती है, ठीक है, जब रेंज मैक्सिमम होता है रेंज की प्रॉपर्टी से। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ठीक है। अब रेंज मैक्सिमम होगा जब थीटा 45 होगा, अगर थीटा 45 होगा तो साइन थीटा 91 हो गया, तो यू स्क्वायर ओवर जी, तो यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी जी आर मैक्सिमम, ठीक है। जी आर मैक्सिमम, जी 10 है और आर मैक्सिमम 16
किलोमीटर है, तो 600 मीटर हो गया, तो यह आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, इतने से प्रोजेक्ट हुआ होगा 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, क्लियर है। चलो तो ये इसका लास्ट प्रॉब्लम था। तो आज हमने डिस्कस किया काइनेमैटिक्स के जो 31 ईयर वाले प्रॉब्लम है उनको मैंने डिस्कस किया। इसमें जितने भी प्रॉब्लम डिस्कस किया हूँ, अगर आप उसको बेहतर तरीके से देखते हो और उस टेस्ट फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक पे जो वन डायमेंशनल मोशन है, इस पर 3-4 टेस्ट दो, अपने आप को टेस्ट करो कि कितना सीखे हो, और टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो नीट लेवल का, देखो हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। अगर अपने जैसे मान लो काइनेमेटिक सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे हैं, तो दोबारा थियरी पढ़ो, दोबारा डाउट लो, थियरी पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो उस टॉपिक से रिलेटेड, तब जाके अपने प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करो और आगे बढ़ जाओ, अपने प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करो आगे बढ़ जाओ। अगर प्रॉब्लम को तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं क्वेश्चन हो रहा है, तो गो डेप्थ इन थियरी, फिर से फैकल्टी से डिस्कस करो, डाउट लो, फिर क्वेश्चन करो, होगा कैसे नहीं यार, ऐसा तो थोड़ी है। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।